नमस्कार दोस्तों, माय बेस पीच पर आपका एक बार फिर स्वागत है। आज के वीडियो में आपको बताना चाहूँगा कि आप ऑनलाइन लोगो या बटन कैसे क्रिएट करेंगे और इस बटन और लोगो को क्रिएट करके आप आपकी वेबसाइट पर अटैच कर सकते हैं, जो कि बाद में डिस्कस करूँगा कैसे अटैच करेंगे आप। आज सिर्फ हम देखेंगे कि उस लोगो को या बटन को हम कैसे क्रिएट करते हैं। देखिए दोस्तों, ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स है जिसके थ्रू आप ऑनलाइन लोगो और बटन क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक सिंपल एज ए फ्रेशर आपको यूज़ करना है उस टाइप का मैं आपको बता रहा हूँ कि काफ़ी इजी है ये। तो देखिए, आप सिंपल ऐसी आप बहुत सारी वेबसाइट्स पर देख सकते हैं, आप लिख सकते हैं फ्री क्रिएट्स ऑनलाइन लोगोस एंड बटन्स, लेकिन ध्यान रखिएगा कुछ पेमेंट भी लेते हैं इन चीज़ों को क्रिएट करने के बाद। तो ध्यान रखिए कि पहले देख लीजिए प्रॉपर क्या ये फ्री में डाउनलोड करने देगा। ऐसा नहीं हो कि हम उसको लोगो को क्रिएट कर ले, बटन को क्रिएट करें, एक दो घंटे ख़राब करें, वो जैसे आप डाउनलोड करने जाएँ तो आपसे पेमेंट मांगे। तो इसलिए पहले ही देख लीजिए आप कि वो फ्री अवेलेबल फैसिलिटी प्रोवाइड करता है या नहीं। तो ये जो बता रहा हूँ वो फ्री वाला है, देखिए इट्स कॉल्ड कूल टेक्स्ट। इस पर आप क्लिक करेंगे ऑफिशियल वेबसाइट पर, यहाँ पर बहुत सारे स्टाइल्स आएंगे आपको किस टाइप का लोगो क्रिएट करना है। तो जैसे मुझे ये देखिए बता रहा है इस टाइप का लोगो मुझे क्रिएट करना है, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। आपको जिस टाइप का लोगो क्रिएट करना है, आपकी वेबसाइट का जो जिस नाम का भी आपको लोगो क्रिएट करना है, फॉर एग्जाम्पल मुझे क्रिएट करना है माई बेस्ट पी एच पी, इट्स माई ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। ठीक है, यहाँ पे आप फंड का टेक्स्ट बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं साइज उसका। ठीक है, यहाँ लोगो उस पर गए आप, यहाँ पे टेक्स्ट का कलर, जैसे अभी यहाँ पर जो भी कलर है बाय डिफ़ॉल्ट, मुझे जो भी कलर चेंज करना है मैं यहाँ पर कलर चेंज कर सकता हूँ टेक्स्ट का। ठीक है, जिस टाइप का भी आप चाह रहे हैं। ठीक है, देखिए आप इस पर दिख ही नहीं रहा है वो, तो कलर चेंज कर देते हैं। मैंने इस कलर को फाइनल कर दिया। ठीक है, इसके बहुत सारे पैटर्न्स आते हैं, जैसे नीचे इस पर क्लिक करेंगे आप तो अभी जैसे वुडन कलर का ही दिख रहा है। आप चाहते हो कि नहीं मुझे तो ये वाला कलर करना है, तो आप ये वाला बैकग्राउंड यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए इस टाइप से आ जाएगा। देन ये लोगो बता दिया, शेडोज पे आप जाएंगे। देखिए ये जो मीनूज होते हैं ये अलग अलग लोगो और अलग अलग बटन्स के हिसाब से डिफरेंट हो जाते हैं। ठीक है, अब ये टाइप ब्लू कलर आ रहा है। ठीक है, ये शेडो कलर, ये सब आप चेंज कर सकते हैं यहाँ पर। ये इमेजेस के ऑप्शंस हैं, अलाइनमेंट कहाँ पे करना है, उसकी हाइट विड्थ क्या देना है, किस फॉर्मेट की चाहिए, आपको जेपीजी चाहिए, पीएनजी चाहिए, तो मैंने जेपीजी कर दिया। बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं आप, तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शन हैं आप कर सकते हैं। आप देखिए क्रिएट लोगो पर क्लिक करेंगे, देखिए अभी लोड हो रहा है ऊपर, ये देखिए आपका क्रिएट हो गया। अब इसको डाउनलोड पे क्लिक करेंगे आप, तो ये डाउनलोड मैं आपको ओपन करके बताता हूँ। इसको आप सेव कर लीजिए, सेव करना चाहे तो सेव करें। ये देखिए ये आपका माय बेस पीएचपी नाम की एक इमेज यहाँ पर क्रिएट हो गई। आप इसको कॉपी करके आपके इमेज वाले फोल्डर में रख के आप आपके प्रोजेक्ट में इसको अटैच कर सकते हैं। इसको यहाँ से एडिट करना चाहे वापस एडिट पर क्लिक कीजिए, तो वापस आप उसी पेज पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। अब लेकिन मुझे बटन क्रिएट करना है, ये तो बात हो गई लोगों की। अब यदि बटन क्रिएट करना है तो मैं वापस बैक जाता हूँ। देखिए यहाँ पर नीचे ऑप्शंस भी हैं बटन्स के काफ़ी, देखिए प्लेन बटन है एक, ठीक है ये वाली बटन है, तो मुझे ये बटन क्रिएट करना है, तो मैंने इस पर क्लिक किया। अब मैंने यहाँ पर लिख दिया MIT सबमिट, तो यहाँ पर लिखा हुआ जाएगा सबमिट। ठीक है, अब इसी वही फंड की कैपेसिटी आपको बढ़ाना है, जैसे मुझे बढ़ाना है, मैंने पूरे 30 करना है तो मैंने 30 कर दिया, और कुछ लिखना है आपको। ठीक है, और ये कलर, ये सारी चीज़ें यहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, वही बटन्स पे आप क्लिक करेंगे तो उसका शेप आप चेंज कर सकते हैं, जैसे शेप में मैंने यहाँ पे जाके चेंज कर दिया। तो देखिए आपको इस टाइप की बटन यहाँ पे शो हो जाएगी, थोड़ी सी डिफरेंट हो जाएगी वो। ठीक है, आपने यहाँ पर क्लिक किया सर्कल टाइप, तो देखिए आपको थोड़ा सा ये सर्कल टाइप हो गई। तो डिपेंड करता है आप किस टाइप की चाहिए, हाइट विड्थ सब सेट कर सकते हैं, ये इमेज पर जाके इफ़ेक्ट्स कुछ लगाना लगा सकते हैं आप। बस मैं आपको क्रिएट करके बता रहा हूँ, क्रिएट किया मैंने तो ये देखिए बटन क्रिएट हो गए। अब इसको वही डाउनलोड करना है, डाउनलोड कीजिए, ओपन करना है, सेव करना है, जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं आप। ठीक, मैंने सेव करा, इस बार इसको ओपन करके बताता हूँ मैं आपको। देखिए सब, अब इसी बटन को आप किसी भी लिंक पर अटैच करेंगे तो आपको वहाँ पर लिंक पर क्लिक करेंगे तो हो जाएगा। तो दोस्तों, हमने आज ये देखा कि एक बटन और
टेक्स्ट को हम कैसे क्रिएट करेंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप मेरी ऑफिशियल वेबसाइट mybasepHP, यहाँ पर जाकर आप इंटरव्यूज क्वेश्चन, PHP एक्सरसाइज, सॉल्यूशंस, वैकेंसीज, HTML, CSS, JavaScript के ट्यूटोरियल्स, सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना चाहें तो सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं आप यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर मेरा फेसबुक ऑफिशियल फेसबुक है mybasepHP, mybase.stdent.php, आप इसको भी लाइक कर सकते हैं, यूट्यूब चैनल पर जाके देख सकते हैं। तो यदि आपको पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।